Hello everyone and welcome back to my channel. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लक्समबर्ग में ट्रैम स्टार्ट हो गई है, तो आज हम ट्रैम से घूमेंगे और एक मॉल जाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे. सो लेट्स गो. सो वेलकम गाइस टू दिस ब्रांड न्यू ट्रैम ऑफ लक्समबर्ग. जब रोड पे ट्रेन चलती है तो बहुत अच्छी लगती है. ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रैम का फर्स्ट ट्रैवल है, इससे पहले एम्स्टर्डम और स्विट्ज़रलैंड में भी हम ट्रैम से खूब घूम चुके हैं, लेकिन अपनी सिटी जिसे हमने सिर्फ ट्रेन या बस से ही घूमा है, उसे न्यू ट्रैम में घूमना और वो भी फ्री में, इट्स सो एक्साइटिंग. ये है ओशन मॉल, जहाँ हम यूजुअली नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है और यहाँ आने के लिए हमें 2-3 बसेस चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन आज ट्रैम से हम डायरेक्टली यहाँ इजीली पहुँच गए हैं. तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे ओशन मॉल. तो ये सबसे पहला सेक्शन है फ्लावर्स का. यहाँ पर बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं, ट्यूलिप्स हैं और इनके काफ़ी ऑफर्स भी हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब वैलेंटाइंस डे आने वाला है. ये है कुछ वैलेंटाइंस डे स्पेशल डायरीज एंड नोटबुक्स. ये है कार्ड सेक्शन. यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं फॉर बॉयज, फॉर गर्ल्स और किड्स, लेकिन सभी फ्रेंच में है. और ये है सबसे क्यूट सेक्शन ऑफ बेबी गर्ल्स, जिसमें सब कुछ पिंक में है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं. ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइन में सिर्फ बॉयज गर्ल्स ही एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, यहाँ पे किड्स के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं. आई लव यू वाले पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, नोटबुक्स हैं और बहुत सारे बैग्स हैं. वैसे इस सेक्शन में मेरे मतलब का तो कोई सामान नहीं है, लेकिन सब कुछ इतना अट्रैक्टिव है कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में और ये है क्यूट सा डबल इंडक्शन, जिसका डिजाइन नॉर्मल गैस जैसा है. और ये है इंस्टेंट डिजिटल हीटर. ये है कलरफुल डिस्पोजेबल प्लेट्स. कुछ वुडन बॉक्सेस के अलग अलग साइजेस और कलर्स में हैं, लेकिन इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाए ये कुछ समझ नहीं आ रहा. और ये है बुक सेक्शन. यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बुक्स हैं विद ऑफर्स, पर सभी बुक्स फ्रेंच लैंग्वेज में हैं. और ये है कार्निवल सेक्शन. यहाँ पे कार्निवल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं कि जब यहाँ पे कार्निवल होता है तो लोग बहुत कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, डांस करते हैं, रैलीस निकलती हैं, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और उन पे काफ़ी ऑफर्स भी हैं.
छुट्टियों के बाद लक्समबर्ग में इतना सारा क्राउड दिखा, अदरवाइज पिछले काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से यहाँ पे बहुत ही कम लोग बाहर निकलते थे। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से वही माहौल देख के। सो गाइस नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।